यहाँ पे बेस हमको मिल गया, वो भी एकदम से एकदम, क्या बताओ अभी लूट का तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। सो हे गाइस, यार कैसे हो सब लोग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड सीओसी में हैकर्स के फटते अच्छे होंगे। सो गाइस, आ चुके एक और नए वीडियो के साथ। एंड यार गाइस, यार मेरे को ना ये अपना जो इंट्रो है ना वो बोलने के लिए ना थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि यार पता नहीं कब कब यार आपने जो, क्योंकि ये जो सुपर सेल इंडिया वाले हैं ना अपने, वो तो वीडियो देखते रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो अगर देखेंगे और मुझे कुछ अगर बोल दे इस इंट्रो के ऊपर से, तो मैं इसी वजह से थोड़ा बीच बीच में स्किप कर रहा हूँ और थोड़ा नया भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। सो ऐसा यार, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड हम लोग गाइस, आपको पता है कि अभी ये जो सी ओ सी का जो पूरा नया वर्जन देखने को ऐसा मिल रहा है हमको, जैसे कि बीच में अभी नया सीनरी आया था, तो उसी के थ्रू अभी तो ये लोग ने पूरा सीन चेंज कर दिया सी ओ सी का, समझ रहे हो गाइस यहाँ पे। एंड अभी ये जो वाटरफॉल आया, बहुत सारी चीज़ें गाइस यार आई आप नए नए सी ओ सी में। एंड आप उनके हम लोग उन्हीं इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना गाइस यार, बहुत हम लोग क्लोज है, कितना 1,20,000 के क्लोज है, लेकिन हम लोग बहुत ही जल्दी 1,50,000 के भी क्लोज आ जाएंगे यार। गाइस आप लोग सब्सक्राइब दबाओ यार, उसके साथ ही लाइक कर देना वीडियो को, 4,000 लाइक्स का एम करते हैं, एंड बेल आइकन दबाना वो भूलना मत। और हाँ गाइस यार देखो, 5,000 फॉलोअर्स होने वाले इंस्टाग्राम पर, ये देखो यार बहुत ही क्लोज है हम लोग, जैसे हो जाएंगे वैसे मैं एक गोल्ड पास गिव अवे का जो रिडीम कोड होगा 400 रुपीज़ का, वो मैं डाल दूंगा सीधा स्टोरी में, तो जो बंदा जीत जाए वो तो उसकी तो फिर मिल गया नया गोल्ड पास न्यू सीजन का। एंड हाँ गाइस चलो, और अभी बात करते तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि अभी ना सी ओ सी जो है ना, अभी ये जैसे कि ये सीजन चैलेंजेस में भी जो आपको एक नया नया नहीं क्या ये आता है स्टैचू मिलता है, नहीं सॉरी ये मिलता है क्या इसे बोलते हैं यार अपना, एक मिनट रुक जाओ, ये जो डेकोरेशन मिलता है गाइस, ये देखो, ओ माय गॉड, यहाँ पे स्टोरेज स्टैचू मैंने यहाँ पे तक लगाया नहीं अभी तक। एंड उसी के साथ ये जो फाउंटेन मिला था ना, ये फाउंटेन माउंटेन जो था एक्चुअली कुछ मिला था। सो गाइस सर, वैसे मेरे यहाँ पे बारिश हो रही है एक्चुअली, तो शायद आपको थोड़ा सा ना नॉइस आपको सुनाई देता होगा, तो यहाँ पे मैं फाउंटेन को धोई है, देखो यहाँ पे गाइस मिल गया फाइनली, क्या है इनका, इसका नाम एनिवर्सरी फाउंटेन। ओके सो गाइस, एकदम से अभी पता नहीं ये लोग सी ओ सी में बारिश वारिश भी ला दे, तो वो भी हमको देखने को मिल सकती है, जैसे कि आपको पता है कि विंटर के टाइम पे स्नो आता है, तो जब स्नो गिरता है ना ऊपर से टाउन हॉल पे रहता है स्नो। गाइस आपको याद है क्या, मैं चेक करते हुए कि अगर मुझे इमेजेस मिलते हैं तो मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता हूँ। एंड गाइस देखो, उसी के साथ ही गाइस यहाँ पे हमने सोचा था यार कि इस बार क्लैन गेम्स में सीनरी आएगी। गाइस किसने सोचा था इस बारे में, मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ कि हाँ भाई मैंने भी सोचा था। एंड हम लोग ने ये भी सोचा था कि चलो ठीक है क्लैन गेम्स तो नहीं, लेकिन सीजन चैलेंजेस में तो एटलीस्ट मिलेगी हमको सीनरी, लेकिन वो भी नहीं। एंड लेकिन गाइस आप ये देख लो, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मैंने अभी तक क्लेम नहीं की, तो वैसे गाइस आप लोग भी सोचते रहोगे कि मेरा जो ये स्टोरेज है वो इस बार फुल के मतलब फुल क्यों नहीं है इस वीडियो में, तो एक्चुअली मैंने खेला नहीं था इसके लिए। सो गाइस यहाँ पे क्लैन गेम्स तो चल ही रहे, तो हम लोग ने यहाँ पे क्लैन गेम स्टार्ट किया है। मैंने अब यहाँ पे जो है 50 लेवल की क्वीन के मुझे नॉकआउट करना है, तो मुझे सीधा 300 पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलो गाइस यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, अटैक कर लेते। ओ शिट, ये क्या कर दिया मैंने, अरे 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 ये तो गलत ट्रूप्स ट्रेन किया है, सॉरी सीसी में गलत ट्रूप्स से मेरे। तो इसमें यहाँ पे लेके आता हूँ ट्रूप्स, और अच्छा बेस लेके आता है और 1-1 मिलियन वाला, तो आप लोग ना एकदम से बैठ के एंजॉय कर लेना वीडियो पूरा। आई नो अगर आप ऑनलाइन क्लास में हो, कहीं पे भी हो, अपने बेड पे हो या फिर सोफा पे हो, ज़मीन पे हो, नो मैटर्स गाइस, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो जैसे आप कर रहे हो। तो एक अच्छा बेस लेके आता हूँ मैं अभी। सो गाइस यहाँ पे देख लो क्या ही बेस मिला है, एंड अभी इस पे हम लोग ना अटैक करने वाले। ऑफ कोर्स यार लूट तो अभी करीब आप, हाँ यार थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे इसमें कि यहाँ पे अच्छी लूट है। सो गाइस लेकिन ना सीसी में मेरे पास हॉक्स है गाइस, सीसी में हॉक्स है। एक्चुअली क्या हुआ ना, अभी रात के ना कितने बज रहे आपको बताता हूँ, 12:26 हो रहे हैं, तो मुझे इतना पूरा आइडिया है कि मुझे सीसी में कुछ मिलने नहीं वाला, तो इससे अच्छा जो मेरे पास है ना उससे मुझे काम चलाना पड़ेगा। सो राइट नाउ एक्चुअली आपको पता है कि क्या सिचुएशन चल रही है, सो दैट्स वाई थोड़ा आप लोग समझ जाओ यार, आप लोग इतने स्मार्ट हो यार आप लोग, तो आप कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो अब लेट्स सी गाइस मैं क्या करता हूँ इस बेस पे, एंड आई डोंट नो और अब कहाँ से करें, एक मिनट रुक जाओ गाइस। ये तो बहुत ही सही काम कर रहे हैं यार दोनों के दोनों अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन, पूरा एकदम समझा मतलब सिखा के भेजा है ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इस पे। एंड यहाँ से एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे हीरोज डाल देता हूँ, आई डोंट नो मुझे क्यों मन किया इसलिए मैंने वहाँ पे डाल दिया अपने हीरोज, बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। एंड गाइस अब यहाँ से हम लोग डाल देते हैं अपने हम ना ये यूज़ करने वाले गाइस स्टोन स्लैमर को। सो लेट्स सी हम क्या स्टोन स्लैमर से 3-स्टार अटैक निकाल पाएंगे।
ये तो एक मिस्ट्री है जो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एंड अब यहाँ पे क्लोन्स पहले अपने पास, तो ओके सो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमको क्लोन यूज़ कर लेना चाहिए। एंड इसी के साथ फ्री स्पेल, ओके सो गाइस यहाँ पे ना बहुत सारे डिफेंसेस आउट ऑफ एमो है, तो मुझे कुछ डरने वाली बात नहीं है, तो मैं जैसे चाहूँ वैसे मैं यूज़ कर लेता हूँ अपने अपने स्पेल्स। एंड इस पर थ्रीशर अटैक निकाल के आपको पता है कि कितनी लूट हमको मिलेगी, ऑब्वियसली 1 मिलियन वाली लूट विद द बोनस। एंड ओ माई गॉड गाइस एक मिनट रुक जाओ, मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ गाइस कि यहाँ पे हमको 50 लेवल की क्वीन को डाउन करना था, तो मुझे ये नई आइडिया कि ये कितनी लेवल की थी गाइस आपको याद है क्या? अरे 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 मैं तो पूरा का पूरा भूल गया, ये लूट के चक्कर में ना मैं एकदम से ये एकदम से नहीं क्या, अभी भूख जब लगती है ना तब ऐसा मैं कर रहा हूँ, एकदम से लूट का भूखा बन चुका हूँ अब तो। मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया कि ये कितने लेवल की ये क्वीन है जो हमने टेक डाउन किए। सो गाइस यहाँ पे लास्ट डिफेंस यहाँ पे बचा है वो अभी निकल जाएगा, कहाँ पे है यार, अच्छा ये है एलिक्सर, अपना डार्क एलिक्सर स्टोरेज था वो हो गया। एंड अब लेट्स सी देखते हैं, 50 से ऊपर होनी चाहिए तब हमारा चैलेंज कंप्लीट होगा। ओके ओके चलो गाइस फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एंड गाइस अब नेक्स्ट चैलेंज लगाते हैं, यार क्या चैलेंज लगा दे इसको, ये कर लूँ क्या, 5 ऑब्स्टेकल्स रिमूव सीधा हमको फटाक से मिल जाएंगे और भी ये पॉइंट्स मिल जाएंगे 100, तो वो मैं कर देता हूँ यार एकदम से जल्दी से। कितना टाइम लगेगा गाइस अब, तो इतना फटाफट हम लोग क्लैन गेम्स को सीधा 4,000-5,000 करवा देंगे। एंड अब रुक जाओ अब थोड़ा टाइम है, वन जेम्स को हम नहीं खिलाएंगे यार, थोड़ा भी कंजूसी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि अपने पास इतने सारे जेम्स है फिर भी। ओके सो गाइस यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो जाएगा, देन हम ट्राई करते कि कोई अच्छा वाला चैलेंज को उठा के कंप्लीट करें। अब क्या करेगा इस टू विन टू मल्टीप्लेयर बैटल्स यूजिंग 1 क्लोन स्पेल, यार एक मतलब 2 अटैक करना पड़ेगा यार, तो मुझे ये सही नहीं लग रहा। अर्न थी स्टार फ्रॉम यूजिंग 4 वॉल मल्टीप्लेयर यूजिंग 4 वॉल्केरीज, ओके सो गाइस ये हम ट्राई कर सकते हैं 4 वॉल्केरीज, लेकिन यार गाइस अभी मेरे को वॉल्केरी ट्रेन करना पड़ेगा विन टू मल्टीप्लेयर। यार दो वाले क्यों रखते यार ये लोग, एक वाला रखो ना तब तो मज़ा आएगा। 50 बिल्डिंग्स इन मल्टीप्ले, भाई 50 बिल्डिंग कहाँ से लाए, डिस्ट्रॉय 5 मॉर्टर्स, 5 मॉर्टर्स का तो लपड़ा है वैसे, एक्चुअली बेस पे तो 4 होते हैं, तो देखो यार ये लोग ना 2 अटैक करवाते हैं, देखो कैसे मतलब कंजूस बन रहे, तो यही वाला हम लोग कुछ करते गाइस 3 स्टार फ्रॉम मल्टीप्ले, कोई अच्छा बेस सर्च करते, मतलब नहीं क्या जो जिस पे हो जाए, तो एक इलेक्ट्रो ड्रैगन हमको कम करना पड़ेगा यूजिंग 4 वॉल्केरीज ना, अरे यार 4 वॉल्केरी अब तो दिक्कत हो गया गाइस, मुझे नहीं आइडिया कि हम क्या करने वाले, तो मैं पे एक इलेक्ट्रो ड्रैगन के साथ एक हमने ये कम कर लिया। एंड अब हम जाएंगे इसके साथ ओके विथ 4 वॉल्केरीज एंड सीसी में ऑब्वियसली अपने पास जो है सारे ट्रूप्स वैसे के वैसे, एंड क्वीन को हमको ये करना पड़ेगा। एंड अब हमारे पास यहाँ पे आ चुके सारे ट्रूप, सो लेट्स सी क्या हम इस बार चैलेंज कंप्लीट कर पाते हैं, एक अटैक में हमको 4 वॉल्के क्या है इसका नाम वॉल्केरीज के साथ करना है, सो लेट्स सी। फाइनली यहाँ पे बेस हमको मिल गया, वो भी एकदम से एकदम क्या बताओ, अभी लूट का तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। एंड ऑफकोर्स यार आप भी शायद वेट करते होगे कि यार अब इस बार कितनी मिलेगी लूट अब सूरज भाई को, सो अब लेट्स सी गाइस कि हम लोग इस बेस पे क्या कर पाएंगे। यार मुझे थोड़ा ना मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम लोग ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे गाइस, लेकिन लेट्स सी अब क्या होता है, नो आइडिया, वी आर यूजिंग स्टोन स्लैमर एंड आई डोंट नो कि ये सही होगा या नहीं, या फिर हम लोग ये टाउन हॉल के लिए ना गाइस हम लोग ना ये यूज़ कर ले क्या, नहीं यार स्टोन स्लैमर ही होगा तो ही सही होगा, बिकॉज वरना फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन हॉग्स है गाइस सीसी में, अगर आपको याद है या नहीं, तो सीज बराक यूज़ कर लूँ क्या, सीज बराक सही होगा क्या गाइस हॉग्स के लिए, क्या यार कुछ बिल्कुल ही नहीं समझ रहा है हमको तो। ओके गाइस यूज़ कर लेते सीज बराक को ही, एंड पता नहीं अभी क्या रिजल्ट्स आने वाले, बिकॉज पेक्का होगा, किंग क्वीन होगी एंड उसके साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स तो यहाँ पे अपने है ही। सो गाइस अब बस ना मेन फोकस ये है, अरे यार फोकस, अच्छा रुको हमारे पास वॉल्केरीज भी है, सो गाइस यहाँ पे हम लोग ना डाल देते हैं अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के साथ अभी रेड स्पेल। एंड ये गई यहाँ पे वार्डन कर लिया मैंने, एयर पे कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे गए सारे के सारे ट्रूप्स, ओ शिट गाइस यहाँ पे पहली बात तो क्लोन मैंने डाली नहीं थी, अरे 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 दिक्कत हो गया फ्रीज नहीं किया था। सो गाइस ओके फाइनली यहाँ पे मैंने फ्रीज यहाँ पे कर दिया था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया गाइस एंड आई डोंट नो कि अब क्या होने वाला है अटैक में। ये देखो पूरा कॉम्बो चल रहा है, लेकिन अरे शिट प्रॉब्लम हो गया गाइस, अब मुझे नहीं लगता कि ये थ्रीशर अटैक हो पाएगा, बिकॉज एकदम पूरा हम लोग ना मेस्ड अप कर दिए है इस अटैक में। एंड आप जानते ही हो कि हम कैसे क्या हुआ है। ओके गाइस क्वीन की एबिलिटी यहाँ पे, चलो यहाँ पे एक्सबोगर डाउन ले लेगी ना, प्लस यहाँ पे वो अगर मिल जाए ओके। सो गाइस यहाँ पे हॉग्स देख लो भाई, हॉग्स भी है अपने पास, तब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे लग रहा है कि बची हुई है,
लेकिन टाइम का इशू हो सकता है कि गाइस अगर मैंने स्पेल्स अगर सही से ढंग से यूज़ कर लेते तो हम यहाँ पे थ्रीशर अटैक निकाल सकते थे, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये थ्रीशर अटैक नहीं हो पाएगा। लेकिन इन्फर्नो टार गाइस अभी बचा है, लेकिन अगर लूट अगर हमको मिल गई ना तो बस और कुछ नहीं चाहिए। काश मैं थोड़ा सा स्पेल्स पर अगर ध्यान देता ना तब ये कन्फर्म गाइस ये थ्रीशर अटैक हो जाता, लेकिन अब मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया। यहाँ पे एक यहाँ पे एलिक्सर कलेक्टर बच गया, तो ओके सो गाइस क्या हम निकाल पाएंगे क्या थ्रीशर अटैक, बिकॉज फिर उसके बाद अपना चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा। थ्रीशर अटैक करना है विथ फोर वॉल्केरीज, तो मैंने गाइस अगर क्लोन करता ना यूज़ सही से तो एंड उसके साथ रेड स्पेल तब तो पक्का हो जाता। तो अभी बस रिजल्ट्स का वेट कर रहा हूँ कि अभी स्पेस पे क्या होगा। एंड यार बहुत टाइम ले रहा है यार, बहुत ही टाइम ले रहा है। इलेक्ट्रो ड्रैगन्स एंड ये वाला तो नहीं हो पाएगा गाइस कंप्लीट, तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी कि हम कर लेंगे वापस से अटैक करके। ओके नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, लेकिन अब मुझे टाइम का बहुत ही पंगा लग रहा है। एक तो ये इलेक्ट्रो ड्रैगन्स इतने स्लो है ना, भले ही मतलब 5 बिल्डिंग्स को टारगेट कर रहे हैं लेकिन वो साले स्लो पड़ गए यार थोड़ा सा इस अटैक में, वरना ये हो जाता गाइस रीस्टार्ट। एंड मुझे भी मेरी थोड़ी गलती हो गई बिकॉज रेड स्पेल मैंने सही से नहीं डिप्लॉय की है एंड थोड़ा हो जाता है कभी कभी 5 सेकेंड्स। चलो देखते हैं ये डिफेंस निकल जाएंगे। इन्फर्नो बच गया यार, ये ऐसा आइलैंड बेस होते हैं ना इस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, हम लोग यहीं पे एंड करते हैं वीडियो। एंड 1 मिलियन लूट तो यार हम लोग नहीं छोड़ेंगे ऑफकोर्स। तो ओके सो गाइस यहाँ पे ये देख लो, अच्छा चैलेंज 2-on-3 वॉल्केरीज फ्रॉम मल्टीप्लेयर बैटल यूजिंग 4 वॉल्केरीज, अच्छा 3 हाँ वही था गाइस। तो गाइस अगर आपको पसंद आती है वीडियो एंड करते हैं, बहुत टाइम हो गया अभी सोने का भी टाइम हो गया मेरे, एंड बेल आइकन दबा देना गाइस और लाइक कर देना वीडियो का। इंस्टाग्राम का तो आपको बता दिया, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम आपको गाइस। थैंक यू सो मच।